नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय रमजान का पवित्र माह शुरू है और हर जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वसई की दीनदयाल मस्जिद के परिसर में वसई की सामाजिक संस्था केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई जाने माने लोग शामिल हुए। खासकर वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर, बहुजन विकास आघाड़ी के कई नेता, कांग्रेस के नेता और पुलिस के आला अधिकारी एसीपी मैडम, ये सभी लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। देखिए इस इफ्तार पार्टी की झलकियां और सुनिए इन महानुभावों के विचार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मैडम, आज इफ्तार पार्टी में आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रमजान महीने में? दो सवाल है, इफ्तार पार्टी और ईद मुबारक। सबसे पहले तो इफ्तार पार्टी की सबको शुभकामनाएं। चालू, ठीक है। चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा, इबादत से भर जाए रोजा तुम्हारा, हर नमाज कबूल हो आपकी, यही दुआ है खुदा से हमारी। आप सभी को इफ्तार पार्टी और रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं। रमजान ये बहुत ही पाक महीना है, इस्लामिक कैलेंडर का शायद 9वां महीना है और इस महीने में कुरान लिखी गई थी, इसीलिए रमजान में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और कुरान भी महीने भर के लिए पढ़कर जो कुरान की इबादत करनी चाहिए। आप जो रोज़ा रखते हैं इसकी अहमियत ये है कि भूख और प्यास के एहसास क्या होती है, जो भूखे लोग होते हैं, जो पैसे लोग होते हैं उनको मदद करनी चाहिए, उनको दान करना चाहिए, तो महीने में बहुत सारी दुआएँ मांगनी चाहिए। जो हमारी गलतियां हो उसके लिए माफ़ी भी मांगी जाती है, बहुत सारी मन्नतें भी मांगी जाती है। ये जो रमजान महीना है इसमें है कि चिलचिलाती रमजान, ये फारसी सॉरी अरेबिक शब्द है, उसका मतलब ही है कि चिलचिलाती गर्मियां, सूखापन, इसका मतलब है कि तुम थोड़ा ठहर जाओ। आपके कुरान में ही बोला है कि रमजान में थोड़ा ठहर के तुम्हारा जो कुरान है और जो अल्लाह है उसकी इबादत करो। और आप सबको इफ्तार पार्टी और रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी ईद आने वाला है 22 तारीख को, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी आप हमें पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारी सहकार्य करें और जो रूल्स है ट्रैफिक के और बाकी भी रूल है वो फॉलो करें। धन्यवाद। इफ्तार पार्टी आज जो रमजान का जो पवित्र महीना चालू है उसमें केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, उनके प्रमुख है हमारे दोस्त कल्लन खान जी, इनके माध्यम से आज जो यहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई कि केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन एक समता का संदेश हर बार पूरी दुनिया के सामने देने का काम करता है। आज उसी माध्यम से सर्वधर्मीय लोग यहाँ पर, सर्वपक्षीय लोग यहाँ पर आए थे और आज की इफ्तार जो है वो बहुत अच्छी तरह से मनाई गई। उसी समय देश का जो माहौल बिगड़ रहा है, ऐसे बिगड़े माहौल में आज केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बहुत अच्छी तरह से सभी भाइयों को साथ में लेके काम कर रही है। तो मैं आज सभी मुस्लिम भाइयों को पवित्र रमजान महीने की शुभेच्छा देता हूँ और जल्दी ईद भी आने वाली है और देश में एकता का माहौल बना रहे, ये हमारी कामना है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज? केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, तो हमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, एक समता का संदेश दे रही है। आज जो माहौल है वो अच्छा नहीं, फिर भी जनता में प्यार बांटने का काम ये संस्था करती है। आज हम इन सबको वसई तालुका बौद्ध युवक की तरफ से हम बधाई देते हैं। धन्यवाद। मैं केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कल्लन खान। जैसे कि आपने इफ्तार पार्टी का जो प्रोग्राम देखा और हमारे बीच में इस मैडम आई हुई हैं, पाटिल साहब आए हुए हैं और
और अब्बा आके गए, जिसमें और काफ़ी लोग यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, भाई भाई यहाँ पे सब लोग निकले हैं, सब आके गए और सब मेरा देशवासियों को मेरी तरफ से इफ्तार पार्टी का मुबारक, इफ्तार पार्टी हो। और रमज़ान जो चल रहे हैं, रमज़ान बहुत पाक महीना है, ये अभी मैडम ने इससे पहले बताया है कि रमज़ान का बहुत पाक महीना है, इसमें मैक्सिमम गलतियाँ जो कर देते हैं गलती को सुधार होता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं या किसी तरीके गलत है तो इसमें इस महीने में पाक महीना बोला जाता है इसको। तो मैं सबसे हर देशवासी से मेरी यही गुजारिश है और सबसे है कि सबके लिए रमज़ान भी मुबारक हो और इफ्तार पार्टी मुबारक हो। एडवेंस में जैसे अभी मैडम ने बोला कि रमज़ान ईद मुबारक हो, तो मैं भी हो सकता है कि उस साथ में बोल रहा हूँ कि रमज़ान भी मुबारक हो, सभी देशवासियों को रमज़ान मुबारक हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786